फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं नोकिया का एक नया मॉडल मोबाइल आज आया है। इसको हम मतलब इसमें चार्जर पिन का फॉल्ट है, देखिए टूटा हुआ है, देख रहे हैं इसका। हम सबसे पहले तो आजकल का मोबाइल में आपको अगर अच्छे से आप काम करना चाहते हैं, अपना इनकम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बात तो बहुत साफ साफ है कि आपको कोई भी मोबाइल का अच्छा से इस मोबाइल को खोलना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छा से नहीं खोल पाते हो तो आपसे रिपेयरिंग करने में बहुत मिस्टेक हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, आपको बहुत बार मतलब समस्या को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए। क्योंकि मोबाइल से रिपेयरिंग से रिलेटेड भी मैं डालता ही रहता हूँ, खास करके जो नया दुकानदार है, जो नया टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, बने हैं, उसके लिए मेरा वीडियो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए, तो देख रहे हैं ये मॉडल है आपको, मैं इसका मॉडल इसमें TA 1088 लिखा है, मतलब 1088 इसका मॉडल, यही आप खास करके आज नोकिया का आजकल का जो मॉडल है यही मॉडल से आपको पहचानना पड़ेगा। तो इस मॉडल का हम डिसेसेंबलिंग करेंगे, और कैसे करेंगे तो आप पूरा वीडियो पर बने रहिए। क्योंकि आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम जो है अच्छा सरह से किसी भी मोबाइल को खोलना आना चाहिए। क्योंकि खोलोगे तभी आप मोबाइल का जो आगे का प्रोसेस है या कुछ भी खराब है हार्डवेयर में तो आप कर सकोगे। तो देखिए वीडियो पर बने रहिए, मैं इसका चालू करता हूँ। देखिए ऐसा है फ्रेंड्स, अभी इसको पहले सबसे पहले है, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल आता है तो पहले इसका मोबाइल का थोड़ा देर आपको गौर से देखना चाहिए। क्योंकि मोबाइल का देखने से मतलब टेक्नीशियन जो होता है उसको बहुत अनुभव हो जाता है कि इस मोबाइल में क्या है। देखिए बहुत सा मॉडल में जैसे नोकिया 6 है, उस मॉडल में आपको ये कॉम्बो ही उखड़ता है ऊपर में, इसके मैं भी वीडियो बनाया हूँ, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। पर इसको हम खोलेंगे, देखिए कैसे आराम से खोलेंगे और बिना टेंशन के खोलेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और देखिए, और इसके लिए थोड़ा आपको एक दो टूल चाहिए। ये देख रहे हैं एक प्लास्टिक का है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी अच्छा टूल मिलता है, वो भी आप मार्केट से खींच सकते हैं। और ये देखें लोहा का, मतलब इसको हम डंडा बोलते हैं, आपका भाषा हम जो भी बोलते हैं, इसका हम मतलब किने हुए हैं, इसको इस पत्थर पर घस के अच्छा से बनाए हुए हैं, बहुत पतला से, और बहुत मुझे हेल्प करता है बहुत सा मोबाइल खोलने में। तो आप चाहे तो इस तरह का टूल्स बना सकते हैं, मतलब आराम है, बहुत सस्ता होता है। तो देखिए इसके लिए आपको मैं इस मोबाइल को पहले इसको आराम आराम से इसको अलगाना है, क्योंकि ऐसे तो ये मोबाइल मुझे कल आया था, मैं सोचा इसका थोड़ा वीडियो बनाएंगे और डालेंगे। इसको आपको जब भी कोई मोबाइल खोलिए तो हड़बड़ी करके मत खोलिए, मतलब आराम से, मतलब कोई भी मोबाइल आप खोलते हैं तो पहले तो इसको देखना पड़ेगा आपको। यूट्यूब में भी जाकर देख सकते हैं कोई भी मोबाइल, अगर आपके पास अब नया टेक्नीशियन है, आपको मालूम नहीं है यूट्यूब बारे में, मोबाइल में आजकल एक्सपोर्ट बनना चाहते हैं आप, तो डायरेक्ट यूट्यूब में जाइए, जिस मॉडल में जो फॉल्ट है वो सर्च कीजिए, उधर आपको बहुत सा वीडियो मिल जाएगा, अब जो अच्छा लगे वैसा एक्सपोर्ट बन सकते हैं। उसको पहले वीडियो देखिए, अच्छा से ध्यान से समझिए, फिर अपना काम चालू कीजिए। ऐसा नहीं कि पहले ज्ञान नहीं लिया और काम चालू कर दे तो कभी कभी मोबाइल में फॉल्ट भी आ जाता है, फिर टेंशन में पड़ जाते हैं। देखिए इसको आराम से अलगाना है, मतलब इसे आपको एक अच्छा से देना है, क्योंकि ऊपर डिस्प्ले है, डिस्प्ले में अगर घुस जाएगा तो फूट सकता है। और साउंड के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मेरा जो दुकान है वो हाईवे के पास है, उधर बहुत चलता है गाड़ी मोटर सब, उसको मैं तो रोक नहीं सकता हूँ। आराम से निकल गया, देख रहे हैं इसका इस तरफ से निकालना है, और ये सिम कनेक्टर और मेमोरी कनेक्टर पहले निकाल लेना है। अब आराम आराम से देखिए, आराम आराम से इसको देख लिए आराम से। और जब भी आप कभी अभी आजकल का नया मॉडल खोलते हैं तो ये सेंसर देख रहे हैं, इस सेंसर को ज़रूर ध्यान करके खोलिए, जिसमें सेंसर लगा हुआ है तो 100% है इसका फ्लैप इधर बोर्ड में लगा होता है। जब भी अच्छा से आराम से ऐसा कीजिए, देखिए खुल गया है मोबाइल, और इसको हम सेंसर का
फ्लैप जो है उसको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा स्क्रू ड्राइवर दूसरा लगा है, देख रहे हैं स्क्रू लगा हुआ है, क्योंकि देखिए ये पत्ता अभी देख रहे हैं कैसे, थोड़ा भी आप इसमें पावर लगा दोगे तो ये कट जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। इसलिए जब ये काम करते हैं थोड़ा सोच समझ के कीजिए। लेना है फ्रेंड्स कि आप जो रिपेयर का जो काम होता है वो पूरी की पूरी ईमानदारी पर चलता है, क्योंकि बहुत महंगा महंगा आदमी का मोबाइल होता है, अगर आप अच्छा उससे नहीं करते हो तो दिक्कत हो जाता है। इसीलिए किसी भी मोबाइल का आप अच्छा से खोलिए तो बनाइए, क्योंकि यही एक मिस्त्री का असली पहचान होता है। बहुत अच्छा काम है मोबाइल रिपेयर का, आप सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बात है, सीखिए। देखिए ये निकल गया, बस इसको अब सेंसर को देखिए आराम से निकल गया सेंसर, देख सकते हैं। और एक बात मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर नया टेक्नीशियन है और मोबाइल के रिपेयर ज़्यादा काम सीखना चाहता है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल की रिपेयरिंग इन टाइम डालता ही रहता हूँ जो मुझे अच्छा से समझ आए। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में करते हैं।